मोदी सरकार की वापसी को लेकर चारों तरफ एक अलग ही उत्साह झलक रहा है। हर कोई ये चाहता है कि मोदी सरकार अपने विकास की उस यात्रा को दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ाए, जिसे मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ शुरू किया था। इस बार मोदी सरकार एक नई टीम के साथ जनता के बीच आई है, इसे लेकर भी समाज के सभी वर्गों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। सभी ये चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरे समर्थन के साथ जिस तरह सत्ता में आई है, ठीक उसी ताकत के साथ आने वाले दौर में भारत का नाम न केवल विश्व पटल पर बल्कि चारों तरफ लोगों के दिलों में भी ऐसा रोशन करे कि जिसकी याद लोगों के दिलों में अरसे तक जिंदा बनी रहे। और साथ ही साथ सभी की इच्छा ये भी है कि मोदी सरकार इस बार विकास के जो नए प्रतिमा स्थापित करेगी, उसे देखकर पूरे दौर में नए दौर में कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की राजनीति के सामने एक समानांतर सकारात्मक राजनीति की मिसाल खड़ी हो जाए। यही बात, यही विचार, यही ख्याल सामने आए जब सिटी वेब ने कुछ लोगों से बातचीत की, सहारनपुर वासियों से बातचीत की और एक जनमत का एक मूड समझने की कोशिश की। खास तौर से इस बार जब मोदी सरकार पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोर शोर के साथ दोबारा सत्ता में वापस आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से सरकार के इस कार्यकाल को देखना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं हम लोग, यही जानने की कोशिश की सिटी वेब ने। तो आइए हमारे संवाददाता जितेंद्र साथ चलते हैं इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए। रमन पार्षद नगर निगम सहारनपुर। पुणे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है सशक्त सरकार, ये बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और वो बधाई के पात्र भी हैं। उन्होंने 2014 की जो सरकार थी बहुत अच्छे अच्छे काम, गरीबों से जुड़ने का, उन्होंने गरीबों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम, विपक्ष ने लाभ ताकत लगाते हुए मोदी जी को परास्त ना कर पाए, बल्कि मोदी जी ने उन्हें धूल चटाने का काम 2019। मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं भाई नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मैं राजेंद्र कुंबर, पूर्व पार्षद शुगर मिल शारदानगर सहारनपुर से, मैं उनके लिए बधाई का पात्र हूं कि उन्हें इतनी बधाइयां मिल रही हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने केवल लोगों का सपना साकार नहीं किया, राहुल गांधी जी ने केवल वादे किए, उस वादे पे कोई वादा खरा नहीं उतरा, जनता परेशान थी, हम भी हैरान थे। उसके पश्चात जब मोदी जी की सरकार बनी तो पहली बार तो लोगों ने जो मोदी जी ने कहा था कि मैं ये योजनाएं चालू करूंगा और ये गरीबों के लिए करूंगा, उन्होंने किया। जैसे कि सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष्मान योजना, उन्होंने आयुष्मान योजना पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट की और कोई भी गरीब तबका जाके अपना 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। और किसानों के लिए जैसे आज प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनती बैठक हुई, बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव किसानों के लिए, क्योंकि ये योजनाएं जो चलाई हैं मोदी जी ने, जो सच्ची बात चुनाव में उन्होंने हर रैली में कही थी कि मैं देश को बदल दूंगा, बदलते ही उन्होंने किसानों की ओर ध्यान दिया और उनकी पेंशन साकार की। प्रधानमंत्री जी ने जो आतंकवाद और जो हटाया है, बिल्कुल आतंकियों को खत्म किया है और सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और किसानों के लिए जो ऋण दिए हैं, खुलेआम ऋण मिला, गन्ने का भुगतान नहीं होता था, गन्ने का भुगतान सबसे पहले किया था। और आने वाली सरकारें जो आकर चली गई, सारे बहानेबाजी बनाकर कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा देश सराह रहा है, पूरा देश कह रहा है, हर जगह आवाज आती है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर जगह। लेकिन जो लोग खिलाफ थे आज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे मोदी जी ने। आज मोदी जी जातिवाद, कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा कर्म की ओर ध्यान करते हैं,
मैं मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा उनको बनाए रखे और हमारी ओर से बधाई। मेरा नाम राजीव सैनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा सदस्य। नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले तो उनको बधाई, और पुनः नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जो अपने भारतवर्ष के लिए चलाई है, मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। और वो दोबारा जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें हमारे हिंदुस्तान की जितनी आवाम है उनका सभी का योगदान है, क्योंकि जो योजनाएं उन्होंने चलाई है वो सबका साथ सबका विकास। अब जो उन्होंने नया नारा दिया है कि उस नारे के साथ सबका विकास जो हम करने जा रहे हैं, वो पुनः हम ये चाहते हैं कि हर बार जब भी प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। दिलो जान से यही कामना करता हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी बने, जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के जो वो बच्चे हमारे बड़े हों, जो भी उन्होंने विकास किया है उनका लाभ हमारे बच्चों को भी मिले। मैं ब्रजभूषण चिंटू, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा समिति से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें नरेंद्र भाई जैसा प्रधानमंत्री शायद नहीं दोबारा मिले, पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का स्वरूप उनमें दिखता है, वो एहसास मुझे लगता है। हिंदुस्तान के अंतिम छोर पे जो आदमी खड़ा हुआ है, उस अंतिम छोर पे उसे सुविधा देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम 2014 से 2019 के बीच में किया है, उस गरीब आदमी ने, उस मजदूर आदमी ने दोबारा प्रधानमंत्री बना देखने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे में परेशान थी, उन्हें सिलेंडर दिए गए हैं और शौचालय दिए गए हैं, और जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, हर घर तक, हर गांव तक, हर एक अंतिम छोर तक जो आदमी है उसे लाइट पहुंचाई गई है, सड़कें, लाइट, मकान, कोई क्षेत्र मोदी जी ने नहीं छोड़ा जिसमें ना काम हुआ हो। और सबसे बड़ा जो पुलवामा अटैक का जो बदला लिया उन्होंने, 56 इंच की छाती उन्होंने दिखाई, यहाँ 56 इंच की छाती है। मुझे नहीं लगता 2024 में भी मोदी जी को कोई परास्त कर पाएगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, यही कहता हूँ हमेशा बार बार मोदी सरकार। देखिए, मेरा नाम दिनेश राणा, सेक्टर 41, साहब नगर से मैं का स्थानीय हूँ। और नरेंद्र मोदी को जो जनादेश दिया जनता ने, वह जो जनादेश मिला है वो मोदी जी का, सबको सबके लिए मोदी जी का जो प्यार है, मोदी जी ने जो अपनी कानून व्यवस्था है और जो भी उन्होंने विकास किए हैं उसके मुद्दे पर सभी देशवासियों ने उनको पूर्ण बहुमत से वोट दिया है। और उनकी जो सरकार रही, जो पूर्ण बहुमत से आई है, सभी ने दिलो जान से मेहनत की है और इतनी मेहनत की है कि उन्हें किसी की और आवश्यकता नहीं पड़ी और वे अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। नरेंद्र मोदी जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेक्टर 41 राजनगर की ओर से हमारे रमन भाई हमारे पार्षद हैं जो बहुत ही मेहनती हैं, उनकी ओर से और सभी सेक्टर 41 वासियों की ओर से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी से काम, एक काम है, एक मेरी मांग है, वह है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होगा, हमारी जो देश की समस्या है, जो बेरोजगारी, वह कभी कम नहीं होगी। तो धारा 70A और धारा 70-35A और क्या नाम, जनसंख्या नियंत्रण कानून और राष्ट्रद्रोह कानून को सख्ती से लागू करें, जिससे कि जो हमारी जनता ने आपको जो जनादेश दिया है उस जनादेश का नरेंद्र मोदी को और यहाँ हमारे देश को, हर जनता को उसका फायदा मिल सके। मैं राजेश पंडित, सहारनपुर निवासी, शारदा नगर क्षेत्र से, वार्ड 41 का एक छोटा सा, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। आज हमारे देश में जो एक लहर थी और मोदी जी पर जो विश्वास था, उसके तहत जनता ने उन्हें दोबारा उन आकांक्षाओं के साथ विजयी बनाया है जो अधूरी रह गई है। कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना भी बाकी है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादियों पर
कठोर कार्रवाई जो लोगों के मन में बैठी है कि हाँ कुछ हो सकता है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए अब दोबारा से लोगों ने एक भारी बहुमत के साथ उन्हें दोबारा इस देश की बागडोर उनके हाथ में दिया। यही इच्छा रखते हैं, सभी लोगों की इच्छा है कि मोदी कड़े से कड़े कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण धारा 370 35 से जम्मू कश्मीर की जो मेन समस्या है उसका हल कर सके। सबके साथ मैं मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने पर अपने हृदय से और सभी जनता की तरफ से अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आगे भी वो देश को इसी तरह सुचारू ढंग से चला। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सबसे बेस्ट है इंडिया के भी और वर्ल्ड के, और हम ही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में भी सालों में भी हमें इनका ही चेहरा देना चाहते हैं, और हम लोगों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि इनके साथ बने रहें, अपना पूरा का अपना संयोग दें, कोई किसी की पूछ ना सुने। हमारे प्रधानमंत्री ने तो घर घर सिलेंडर पहुँचाए हैं, घर घर बिजली पहुँचाई है, कहीं गाँव में जहाँ तक बिजली नहीं थी कांग्रेस के राज में आज तक बिजली नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी ने वहाँ तक बिजली चली गई, सड़कें बनवाई हैं, उनकी उपलब्धि इतनी है कि अगर हम सुबह से शाम तक उनके मुद्दे गिनाए तो बहुत दिन भी कम पड़ जाता है। हम तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में 40 साल 50 साल जब भी हम प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते।